हेलो एवरीवन, शिव शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये डिवाइन चैनलिंग है और आज 99 पोर्टल भी है। और ये चैनलिंग मुझे शाम को होने लगी थी बट मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मैंने सोचा कि आपको कल दूंगी चैनलिंग। बट अगेन अभी मैं मेडिटेशन कर रही थी तो वही एनर्जी बार बार मेरे माइंड में घूम रही है, तो ये कंफर्म साइन है कि ये चैनलिंग ही हो रही है आप लोगों के लिए। और ये रियूनियन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी है इस टाइम डिवाइन मैस्कुलाइन की, ठीक है। ये 99 पोर्टल है, आपके सेपरेशन एंडिंग की एनर्जी है जो मुझे कलेक्टिव में पिक हो रही है। और मेरे साथ एक्चुअली यही होता है हमेशा। मैंने कुछ वीडियो में ये शेयर भी किया है कि मुझे जब चैनलिंग होती है तो मैं उस टाइम चैनलिंग करती ही करती हूँ, नहीं करती हूँ तो मुझे एक पुश मिलता है कि मुझे चैनलिंग आप लोगों तक पहुँचानी ही पहुँचानी है, ठीक है। तो ये 2-4 घंटे से ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग पिक हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल एनर्जी पिक हो रही है। और ये जो बैकग्राउंड में वॉइस है, शोर आ रहा है, इसको आप लोग प्लीज़ अवॉइड करिएगा और थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइम ये जो आपके डीएम हैं और जो डीएम हैं अभी बहुत ही ज़्यादा आपसे डिटैचमेंट की एनर्जी में थे, आपसे रन कर रहे थे, आपको बिल्कुल इग्नोर कर दिया था थर्ड पार्टी की वजह से। बट अब जो हैं आपके डीएम आ रहे हैं वापस आपके पास विद लव, विद कमिटमेंट। बहुत ब्यूटीफुल आपको कम्युनिकेशन मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा कमिटमेंट मिलने वाला है। और ये जो डीएम है, इनके माइंड में कुछ वो बातें चल रही हैं जो आपने उनसे पास्ट में बोली थी। और सॉन्ग भी देखिए इतना सुंदर आ रहा है। चलिए, चैनलिंग है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। हाँ जी, तो जो आपके डीएम हैं उनके माइंड में आपने उनको बताया है कभी 1 साल पहले, 6 महीने पहले कि हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किए थे, रन कर रहे थे। बट ये एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है इसमें डीएम ने आपको एक्सेप्ट किया है, अपनी जर्नी को एक्सेप्ट किया है। बहुत डीप एनालाइज है, ठीक है, बहुत ही डीप थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है आपको लेकर। और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, एकदम से आपको अपना बबल फेस माइंड में याद आने लगे, माइंड में घूमने लगे, या आपने जो बबल फेस अपने डीएम के साथ बिताया था, चाहे वो 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 1 वीक का हो, 1 महीने का हो, 1 साल का हो, ठीक है, डजेंट मैटर, ये आपके माइंड में आ सकता है इस टाइम पीरियड में। और ये आपके डीएम के साथ हो रहा है, वो उस बबल फेस को याद कर रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी पिक हो रही है, लविंग एनर्जी आपके डीएम की पिक हो रही है, ठीक है। और जिन जिन लोगों ने ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में नहीं भी बताया है, ठीक है, तो उनके डीएम भी, अगर आप बहुत लंबे समय से डीएम के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये 99 पोर्टल आपकी सेपरेशन एंडिंग को लेकर आ रहा है। यहाँ पर आपका जो अक्टूबर में नवरात्रि हैं, वहाँ की मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि आप में से बहुत से डीएफ इस नवरात्रि तक रियूनियन में आने वाले हो, ठीक है। तो इस एनर्जी को आप लोग ज़रूर क्लेम करें। और मुझे कमेंट आया था सुबह, जो अभी मैंने वीडियो बनाई थी प्रीवियस वीडियो में, कि मैम 99 पोर्टल पर वीडियो बना दें, तो मुझे कुछ गाइडेंस नहीं आ रही थी डिवाइन के तरफ से, तो मैंने नहीं बनाया, ठीक है। तो ये जो 99 पोर्टल है आपका आज एक्टिवेट हो गया है, इसके साथ साथ आपका रियूनियन भी एक्टिवेट हो गया है। रियूनियन के एनर्जीज एक्टिवेट हो चुकी हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो रेडी हो जाइए अपने रियूनियन के लिए, अपने डीएम का स्वागत के लिए। आ रहे हैं आपके डीएम, बट हलचल नहीं मचानी है, बहुत ही ज़्यादा घबराना नहीं है, बहुत ही ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, न्यूट्रल रहना है, ठीक है। मैं यहाँ एनर्जी वाइज बात कर रही हूँ, यहाँ चेक मत करने लगना जाकर व्हाट्सअप अपना, वेट मत करने लगना कॉल का, ठीक है, कि ऐसा हो रहा है। और मिसिंग एनर्जी भी आपकी डीएम की बहुत स्ट्रांग मुझे पिक हो रही है, ठीक है। जो अभी बहुत डिस्कनेक्ट हो गए थे, किसी तरीके का आपको इंटेंशन नहीं आ रहा था, कोई सिंक्रोनोसिटी नहीं हो रही थी अपने डीएम को लेकर, कोई साइन नहीं मिल रहा था, ऐसा लग रहा था सब कुछ ख़त्म हो गया है,
ठीक है, अब कुछ नहीं होने वाला है रिलेशनशिप में, बट फिर से एनर्जी बैलेंस हो रही है, फिर से आप सही पाथ पे आ रहे हो, ठीक है। आपकी फ्रीक्वेंसी सेम होती जा रही है आपके डीएम के साथ, डीएम भी उसी लेवल पे आ रहे हैं जिस लेवल पे आप पहुंच चुकी हैं। आप 5D का रियूनियन एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, 5D की एनर्जी आपको स्ट्रॉन्ग पिक हो सकती है, आपको उनका टच फील हो सकता है, सेक्सुअल एनर्जी आपको यहाँ पर उनकी पिक हो सकती है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग टेलीपैथी मुझे दिख रही है आप दोनों के बीच में, और ऐसा फील कर सकते हैं जैसे एक जैसे कि क्या बताऊँ आपको, बहुत ही ज़्यादा एक बेबी वाली एनर्जी, जो आप पैम्पर करते हो ना छोटे से बच्चे को लेकर, बहुत ही ज़्यादा क्यूटनेस, बहुत ही ज़्यादा लविंग, बहुत ही प्यारी एनर्जी है, मैं बता नहीं सकती। और ये मुझे इसलिए और आप लोगों को देनी पड़ रही क्योंकि मेडिटेशन के टाइम मुझे एनर्जी पिक हुई है, ठीक है। मैंने मेडिटेशन भी नहीं किया, सीधे आपको चैनलिंग कर रही हूँ इस टाइम। तो यहाँ पे एंड हो रहा है आपका सब कार्मिक एनर्जी, एंड हो रही है कार्मिक रिलेशनशिप, एंड हो रहे हैं निगेटिव पैटर्न्स, ब्रेक हो रहे हैं ओल्ड बिलीव्स आपके रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। लिमिटिंग बिलीव्स यहाँ पर आपके ब्रेक हो रहे हैं, बहुत कुछ यहाँ पर 99 पोर्टल में जा रहा है। जो DF पीछे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये 99 पोर्टल। ऐसा नहीं सोचिएगा कि मेरा रियूनियन नहीं है, आपके साथ ऐसा हो सकता है, आपके जो कार्मिक एनर्जीज हैं या ओल्ड चैप्टर्स हैं वो पहले क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिन आप भी इस लेवल पे आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से लोगों का सेपरेशन एंडिंग का टाइम है, बहुत से लोगों का यूनियन यहाँ पर हो सकता है। यूनियन का मतलब ये है कि आप इस कनेक्शन में आओ, आपको ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन मिल जाए, आपको ट्विन फ्लेम जर्नी जो अभी तक कन्फर्म नहीं थी, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ पता नहीं था, या दो DM, कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं दो पर्सन को लेकर कि ये मेरा DM है कि ये मेरा DM है, या ये मेरी DF है या ये मेरी DF है, तो वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। या कार्मिक ओल्ड साइकिल जितनी भी हैं आपकी बिल्कुल रिलीज होंगी, कुछ नया आप अपनी लाइफ में अचीव करेंगे, और DF की यहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती चली जाएगी, साइकिक एबिलिटीज़ आपकी काफ़ी बढ़ेगी, इंट्यूशन पावर आपकी भी यहाँ बढ़ती चली जाएगी। जो अभी आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गए थे, एंगर की एनर्जी में आ गए थे, बहुत ज़्यादा डोमिनेट वाली एनर्जी में आ गए थे, ठीक है, आपको लग रहा था कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ, सामने वाला कुछ नहीं है, या सामने वाले को कुछ आता जाता नहीं है, सामने वाले को आप वैल्यू ही नहीं दे रहे थे, तो मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत डिसऑर्डर्ड थी, तो वो बैलेंस हो रही है आपके साथ में। ये थर्ड आई एक्टिवेशन का भी टाइम चल रहा है, बहुत से DM का थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है, जिसकी वजह से आपको अपने हेड के आसपास बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस हो सकता है, हैवीनेस फील हो सकती है, क्योंकि उनकी भी इंट्यूशन पावर इंक्रीज़ हो रही है, वो भी इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अवेयरनेस में आ गए हैं, उनको भी चीज़ें समझ में आ रही हैं। यहाँ पे डाउट नहीं लाना है कि मेरे DM मैरिड हैं या मेरे DM थर्ड पार्टी में, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, बहुत लो एनर्जी वाली चीज़ें हैं ये, आप इनमें स्टक रहते हो तब भी आपका यूनियन होता नहीं है, या होने वाला होता है तो आप ही डाउट क्रिएट करते रहते हो, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं लानी हैं माइंड में, ठीक है। यहाँ पर उनका कोई मैसेज आ सकता है, कांटेक्ट आपको 100% मिल सकता है, और यहाँ पे जब आपको उनका कांटेक्ट मिले या मैसेज मिले तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल टॉक कीजिएगा, ठीक है। उनको पहले सुनिएगा, आप अपनी कोई बात पहले मत रख दीजिएगा, नहीं तो पता चले वो फिर से रन कर जाएं, ठीक है। उनको सुनिएगा, समझिएगा, और अपने तरीके से हैंडल कीजिएगा अपने रिलेशनशिप को, ठीक है। सेपरेशन काफ़ी लंबे समय तक आपका रहा, अब उनसे आप बात कर रहे हो तो किसी तरीके की कोई फाइट नहीं करनी, और वैसे भी अब DF काफ़ी बैलेंस्ड है, ठीक है, उसको किसी तरीके का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है DM को लेकर, ठीक है। बात करते हैं तब भी, नहीं करते हैं तब भी, बट तब भी कुछ अगर आपको फील होता है, ट्रिगर मिल रहा है, तो बिल्कुल शांत रहिएगा आप, क्योंकि मुझे ये जो एनर्जी रियूनियन की है काफ़ी टाइम बाद कलेक्टिव में पिक हो रही है, ठीक है। तो आपकी सोल मर्जिंग, सोल
क्रेविंग बहुत ज़्यादा है, सोल से आपकी सोल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है डीएम को, डीएम की सोल आपको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ आप कॉल ना करें, मैसेज बिल्कुल भी ना करें, चीज़ बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। चीज़ें अपने आप होंगी, ऑटोमेटिकली आपका रियूनियन होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, यहाँ एफर्ट नहीं डालना पड़ता है रियूनियन के लिए, ये समझिए आप बात को, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पर ही आपका यूनियन होता है। ऐसा नहीं है कि आप लॉजिकली या मैनिफेस्ट कर लिया या आप सोच रहे हो मैंने ये टेक्निक अपना ली हो गया, नहीं। आपने अगर अच्छे से हीलिंग की है, अच्छे से इनर वर्क किया है, एफर्ट डाला है, डिवाइन पर फेथ किया है, वेट किया है, तो यहाँ पर आपका रियूनियन आ रहा है, ठीक है। और जो डीएफ अभी काफ़ी पीछे हैं तो उनकी लाइफ में भी बहुत सारी अबेंडेंस, बहुत ज़्यादा आपके नए रास्ते खुलने वाले हैं, आप जो चाहते हो या जो आपके विजन्स हैं, ड्रीम्स हैं, वो आपको अचीव होने वाले हैं। क्योंकि जब तक आप लो एनर्जीज़ में रहते हो, आप स्टक रहते हो एनर्जीज़ में, थर्ड पार्टी में, कार्मिक एनर्जीज़ में, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, वही चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं। पर जैसे जैसे वाइब्रेशन हाई होती जाती है, आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल आते हो, आप सिर्फ खुद पर फोकस करते हो, खुद की लाइफ, खुद का करियर पर फोकस करते हो, ठीक है। तो जो डीएफ पीछे हैं उनके लिए भी ये 9-9 पोर्टल बहुत सुंदर है, और कुछ के लिए ऐसा हो सकता है ये 9-9 पोर्टल एक सेपरेशन भी क्रिएट करे। ये वो डीएफ है जो नई अभी आई है बिल्कुल जर्नी में, ठीक है। तो ये यूनियन, सेपरेशन, रीयूनियन हर पोर्टल में होता है, बट जो 8-8 के पोर्टल के बाद के पोर्टल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल हैं, पोर्टल होते हैं आपके। ये 9-9 के बाद जो आपका 10-10, 11-11, 12-12 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल हैं आपके लिए। बहुत से लोग यहाँ पे परमानेंट हारमोनियस रियूनियन में आने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है रियूनियन की आप लोगों की, इसको आप लोग क्लेम करें और अच्छे से अपनी लाइफ को इंजॉय करें, ठीक है। बिल्कुल भी स्टक ना रहें और बिल्कुल फ्लो के साथ आगे बढ़ते रहें, और डिवाइन को ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें आप लोग। तो ये आज की एनर्जी है आपके डीएम की, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है इस 9-9 पोर्टल पर। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।